फोर्थ मिस्टेक आती है, नो फूड वैरायटी। समझो इसे मैं क्या कह रहा हूं। आपको पता है कि कैलोरी ज्यादा लेनी है, सब कुछ कर रहे हो आप, लेकिन वही गिने चुने फूड्स खा रहे हो जो रोज खाते हो। ऐसा मत करो। अगर आपके पास सिलेक्टेड फूड्स ही हैं, दो तीन फूड बस उसी से, प्रोटीन कार्ब्स फैट्स उसी से ले रहे हो, तो ऐसा मत करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैरायटी ऑफ फूड्स आपकी डाइट में होने चाहिए जिससे आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलें। अब देखो, प्रोटीन कार्ब्स और फैट तो चलो अच्छी बात है, मिल रहे हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए यानी कि विटामिन और मिनरल्स के लिए आपको वैरायटी ऑफ फूड देना पड़ेगा। आपको रोटी, दाल, राइस, ओट्स, इस तरीके के कार्ब सोर्स को ऐड करना पड़ेगा, वेजिटेबल्स को ऐड करना पड़ेगा, फ्रूट्स को ऐड करना पड़ेगा, उसके साथ साथ वैरायटी ऑफ प्रोटीन सोर्सेज जिसमें दूध, दही, चिकन, एग्स, फिश, ये सारी चीज़ें आती हैं, थोड़ा थोड़ा सब जगह से लो। जब ये करोगे आप, तब आपकी बॉडी को पता चलेगा कि यार अच्छा, अलग अलग फूड में अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लेवल्स होते हैं, विटामिन्स के लेवल्स होते हैं, वो अलग अलग मिलते हैं, तो तब बॉडी ग्रो करती है। बॉडी का काम इंटरनल फंक्शन को भी मेंटेन करना है, और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत डिपेंड करता है। सो वैरायटी ऑफ फूड रखो, मसल बिल्डिंग करना चाहते हो या इन जनरल भी, तब आपकी बॉडी सही फंक्शन करेगी, ग्रो करेगी।